नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। उत्तर प्रदेश की खबरों पर एक नजर। इटावा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इटावा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसएसपी महोदय ने बताया कि आरोपी आशित गुप्ता कई प्रदेशों में साइबर क्राइम और एटीएम हैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है और मुखबिर की सूचना मिली थी कि शातिर किस्म का अपराधी आशीष गुप्ता फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास 25,000 का इनामी मौजूद है। मुखबिर की सूचना के बाद क्राइम ब्रांच टीम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी मौके से भागने लगा। तभी पुलिस ने बदमाश से मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद वह घायल हो गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साइबर क्राइम का मास्टरमाइंड और एटीएम जैसे लूट की घटना में बड़ी ही चालाकी से लोगों के रुपए निकाल लेता था। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसके बाद एसएसपी ने क्राइम ब्रांच टीम और पुलिस टीम की शाबाशी दी। और इधर गोरखपुर के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के शेरपुर चमरा गांव में सूरजपाल नाम का हिस्ट्री सीटर अपनी प्रेमिका के घर उस देर रात उससे मिलने पहुंचा। उस दौरान आपत्तिजनक हालात में पकड़े जाने प्रेमिका के भाई को गोली मारी। प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी को पीट पीट कर मार डाला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और घटनाक्रम के जांच में जुट गई। मारा गया सूरजपाल इसी थाने के हिस्ट्री सीटर भी था। आज अर्ली मॉर्निंग एक घटना हुई है, जिसमें एक सूरजपाल नाम का व्यक्ति है, जिसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो अपने उसके चक्कर में किसी के घर में गया अपनी प्रेमिका से मिलने। तो रिपोर्टेडली जैसा पता चला है कि उसको बाहर से बाकी घर वालों ने बंद कर लिया, और सूरजपाल को जब बाद में कुंडी खोल के बाहर निकाल के पकड़ने की कोशिश की तो सूरजपाल ने फायर किया, जिसमें जो उसकी प्रेमिका है उसका भाई उसको गोली लगी है। और इसी बात पर आपस में काफ़ी वहाँ पर झड़प हुई, और उस झड़प में सूरजपाल को लाठी डंडे और धारदार हथियार से मारा गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। और जो इसकी प्रेमिका का भाई है उसको भी गोली लगी है, जो अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है, जिसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, और फिलहाल जो घर के बाकी सदस्य हैं उनको पकड़ करके पुलिस ने पकड़ लिया है। और मौके से हमें पिस्टल भी मिली है, जो कथित तौर पर सूरजपाल ने इस्तेमाल करी थी, और जो डंडे और धारदार कुल्हाड़ी वगैरह वो भी जब्त किए गए हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के हिस्ट्री सीटर सूरजपाल देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव शेरपुर चमरा पहुंचा और अपनी प्रेमिका के कमरे में घुस गया। इस दौरान सूरजपाल के घर में पहुंचने की जानकारी प्रेमिका के घर वालों को हो गई। परिवार के लोग तुरंत उस कमरे में पहुंचे जहां पर वह मौजूद था। परिवार के लोगों ने दोनों को कमरे में आपत्तिजनक हालात में पकड़ा। फिर जैसे ही घर वाले सूरजपाल को पकड़ने चले, उसने देसी तमंचे से फायर कर दिया, जो प्रेमिका के भाई को लगी और वह घायल हो गया। इसके परिजनों ने आरोपी सूरजपाल की पकड़ कर जमकर पीटा, जिससे सूरजपाल की मौत हो गई। और इधर बागपत के बड़ौत पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। बड़ौत पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोली मारकर 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक दरोगा भी बाल बाल बच गए। बदमाश द्वारा चलाई गई गोली दरोगा के बुलेट प्रूफ जैकेट में जाकर लगे और वहीं फंसी रह गई, वरना दरोगा को भी गोली लग सकती थी। एक वसीम चूहा शातिर अपराधी है, जो 7-8 मुकदमे वांछित चल रहा था। इस पर 20,000 का इनाम था।
आज इंस्पेक्टर ब्रॉ तो उनकी टीम को पता चला था कि ये बावली झाल की तरफ से जा रहा किसी अपने दोस्त के साथ, फिर इन लोगों ने घेराबंदी किया, क्रॉस फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी है। उसका एक दोस्त जो था मौके का फ़ायदा उठा करके अंधेरे का गन्ने खेत में भाग गया, तो हमें की गई लेकिन मिला नहीं, और घायल मजदूरों को जिला अस्पताल को भेजा गया। हाँ, एक 315 बोर का तमंचा मिला हुआ है जिसे उसने फायर किया था। फायर एक ऐसा ही पंकज सिंह है जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, उसमें गोली लगी है, गोली उसमें फंसी है। उनके 7-8 मुकदमे हैं और वांछित भी चल रहे थे, 20,000 के इनामे भी हैं, तो कोई ना कोई घटना करने के लिए ही आ रहे होंगे। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने एक बाइक और तमंचा भी बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम मूसा उर्फ चूहा बताया जा रहा है, जो बरौत कोतवाली के कस्बे का रहने वाला है। ये बदमाश कई महीनों से फरार चल रहा था जिसे पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाश पर 10 से 12 मुकदमे दर्ज है। फिलहाल बरौत पुलिस और आला अधिकारी बदमाश के क्राइम इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी में जुटे हुए हैं। आज 2 जून है और आज हम बात कर रहे हैं 2 जून यानी 2 टाइम की रोटी की। और हम बता दें कि इस समय हम आदि टीम मौजूद है उस स्थान पर, वो शहर का नाम, वो स्थान, वो सोरो गेट है। इस गेट हर दिन 2 समय की रोटी कमाने के लिए मजदूर का मेला लग रहता है, इसके बावजूद भी रोटी नसीब नहीं होती। हमारा नाम बबलू है। यहाँ काम मिल पाता, आधे लोग लौट जाते हैं, किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता सर, और मजदूरी बहुत कम है। कोई 300 रुपये देता, कोई 250 रुपये देता है। मनरेगा में काम करने जाते हैं तो अभी भी पैसा नहीं मिल पाता, वो आधे नहीं मिलता, आधा नहीं निकलता है। उसमें जेई वीडियो और जो प्रधान लोग हैं ये लेके पैसा निकाल लेते हैं और उसमें वापसी मिलता नहीं है। उसमें फिर क्या काम करने की इच्छा नहीं होती, उसमें भी 1-2 महीना लग जाते पैसे आने में, आधा मिलता आधा नहीं मिलता ऐसा। भले ही केंद्र प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के पद पर चलकर मजदूरों की पार्टी बता रही हो और मजदूर को वर्ष 360 दिनों में 250 दिनों का काम देने का वायदा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ पलट है। मजदूर आज भी 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मजदूरों के मेले में 2 जून की रोटी कमाने के लिए बोली लगती है। कुछ मजदूरों को रोटी नसीब हो जाती है, कुछ लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती। जब हमारी टीम इस मजदूरों से बात की तो उन्होंने क्या बताइए, इस पर देखिए रिपोर्ट। यहाँ पे उषा देवी का नाम है मेरा। उषा देवी, यहाँ पे काम के लिए क्या थोड़े दिन में आती है, आपको काम मिलता है क्या? कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं? क्या करें, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। सरकार ने मनरेगा योजना जो है ठीक है, काम दे रही है सरकार, काम नहीं मिल पाता है, कुछ नहीं मिलता हमें, क्या पता आपको, क्या पता क्या नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता हमें, यहाँ पे लाभ भी नहीं है कोई। और इधर बागपत की सड़कों पर खुलेआम गुंडाई, 2 फौजियों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर सरिया और लाठियों से पीटा। होटल में खाना खाते समय हुई खुली संघर्ष का वारदात। आधा दर्जन होटल
कर्मचारियों ने दिया वारदात को अंजाम। होटल में खाना खाते समय हुई थी आपस में कहासुनी, होटल में भी मची भगदड़। सूचना पर ब्लॉक पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्ष की ओर से थाने में दी गई है तहरीर। तमाशाबीन बने रहे लोग, संघर्ष की कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है।